जो कुछ भी आज तक होता रहा और जो कल रात हुआ उसके बाद यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुमने फैसला कर लिया? शायद एक दूसरे को देने के लिए अब दुखों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ सोचा है कहां जाओगे? मां तो अब रही नहीं जो हिंदुस्तान जाऊं। अमेरिका में एक रिश्तेदार है, उन्हीं के पास चली जाऊंगी। ठीक है, रुपए पैसों की जितनी जरूरत हो मुझे बता देना। गरीब घर की हूं, तीन कपड़ों में आई थी, तीन कपड़ों में ही जाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे बच्चे हैं। बच्चों के साथ ले जाना चाहती हो? मेरी बाकी जिंदगी का सहारा ये बच्चे ही तो हैं। और बच्चे अगर मैं ना ले जाने दूं तो? तो मैं कानून का सहारा लूंगी। क्या मिसेस खन्ना बच्चे साथ ले जाना चाहती हैं? जी हाँ। कोई तरीका है कि दोनों बच्चे मेरे ही पास रहे? है। क्या? हम कोर्ट में यह साबित कर देंगे कि आपके बीवी का चाल चलन अच्छा नहीं है। जी इसलिए बच्चे उनके पास रहे तो उनका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। मिस्टर मेहरा, आपका दिमाग तो ठिकाने है। मेरी बीवी ने सपने में भी कभी किसी पराए मर्द के बारे में नहीं सोचा। आपको बच्चे चाहिए या नहीं? अगर उसके लिए मुझे अपनी सीता जैसी बीवी को अदालत में जलील करना होगा तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है, तो मैं आपका कॉम्प्रोमाइज करवा देता हूं। लड़की आपके पास रहेगी, लड़का मां के पास रहेगा। मंजूर है। पता तो उसका लेते हैं जिससे कोई नाता हो। मम्मी, भैया। लोग बड़े छोटों का दिल तोड़ते हैं क्यों? लोग बड़े छोटों का दिल तोड़ते हैं क्यों? अपने खता drink. Go to sleep now. पीऊंगा नहीं तो सोऊंगा कैसे? तुम तो पीकर बेहोश हो जाओगे। What about Pinky? फिर माँ के इस बेचारी का क्या हाल होगा?
Darling. Give me one month. I'll be Mrs. Arun Khanna. तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरा क्या होगा? हाँ? तुम तब भी वही करोगे जो अब कर रहे हो. You mean this? I mean more than this. थैंक यू सो मच. आपने मेरी जान बचाई है. जहां मेरा खून बहना चाहिए था वहां आपका खून बहा है. इसके बदले में आप मेरा नाम और पता जानना चाहेंगे? जी नहीं, नाम जानना इतना जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपकी जान के पीछे क्यों पड़े थे. दरअसल बात यह है कि भगवान ने मुझे लड़की बनाया है, लेकिन शौक सब लड़कों के दिए हैं. खतरों से खेलना सिर्फ मेरा शौक ही नहीं, पेशा भी है. बस यूं समझिए, जान हथेली पर लिए घूमती रहती हूँ. जी मैं समझा नहीं. टोरंटो के अंडरवर्ल्ड में रेनू को सब जानते हैं. अगर किसी मुजरिम की जन्म कुंडली जाननी हो तो रेनू को मुनासिब फीस देकर सब पता लगाया जा सकता है. इन मुजरिमों के खिलाफ मैंने इन्फॉर्मेशन बेची थी. बड़ी अजीब और गरीब चीज है आप, और उससे भी ज्यादा अजीब आपका पेशा है. ये तो पहली मुलाकात है, दो चार मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी आप पर. जी ये रहा मेरा कार्ड, आप अगर कभी टोरंटो आए तो आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी. बाय. तुझे तो दूसरों के झंझट में पड़ने की आदत हो गई है. जब देखो चोट लगाकर चला आ रहा है. तूने सारे जहां की लड़कियों को बचाने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, तूने कभी ये भी सोचा है अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माँ, मामूली से खराश आई है, तुम तो वैसे घबरा जाती हो. घबराहट, दुख और तकलीफ के सिवा मैंने जाना ही क्या है. तू इतना सा था जब मैं तुझे लेकर चली आई थी, तब से लेकर आज तक मैं ही जानती हूँ मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं. और एक तू है, तू भी अपने डैडी की तरह मुझे सताने लगा है.
माँ, फिर रोने लगी, फिर आ गई तुझे उसकी याद। मेरा पास चले तो अपनी रगों में बहरे उसके खून को निकाल कर बाहर फेंक दूं, जो बार बार तुझे उसकी याद दिलाता है। नहीं राजू, ऐसा नहीं कहते अपने डैडी के बारे में। क्यों ना कहूं, जिसने दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया उसे डैडी कहते मुझे शर्म आती है। नाता तो मुझसे तोड़ा है, तुझसे नहीं। मुझसे भी कोई नाता नहीं है, अगर होता तो इतने सालों में मेरी खबर ना ली होती, ये जानने की कोशिश ना की होती कि हम मर गए या जिंदा है। बस कर राजू, आज जन्माष्टमी है, शुभ शुभ बोल और चल मंदिर चलने की तैयारी कर। हाय डैडी। हेलो पिंकी। हाउ आर यू डैडी? मैं ठीक हूँ। डैडी। बोलो बेटे। आप मेरे साथ फ्लोरिडा चलेंगे ना? फ्लोरिडा क्यों? भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हरे रामा मंदिर में सभी हिंदुस्तानी इकट्ठे होंगे। तुम जाओ बेटे, मेरे यहाँ कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते।